ये जो आप निशान देख रहे हैं भूरा भूरा सा इस छोटे छोटे नींबू पर, ये थ्रिप्स के कारण है जो कि एक कीट से शुरू होता है। हमें इसकी समय पर पहचान करनी है। अभी ये छोटा है, कंट्रोल हो जाएगा। किसान साथियों, ये NRCC 8 का पौधा है जो सितंबर में 3 साल का होगा। आप इस पर देखिए, ये गुच्छों में नींबू लगे हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक टहनी पे 8 है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मैंने लगभग 200 नींबू गिनने के बाद में इसको बंद कर दिया था गिनना, तो 200 से 250 के करीब नींबू होंगे। अमेजिंग किसान अधिकतर जो पौधे किसानों को देता है तो उनका अपने यहाँ पर भी प्रयोग करता है और ये देखता है कि इनमें क्या कमी आती रहती है और उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता है। देखिए, मैं हर पौधे को देखता हूँ, तो अभी 2-3 दिन हुए मैं इसमें निरीक्षण कर रहा था तो मुझे ये बीमारी मिली और ये मेरे कुंभ काट के कुछ पौधों में भी है। बाकी अधिकतर पौधे सही हैं और नींबू भी सही है। इस नींबू को मैं कई तरह से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। जैसे मैं इसमें होम गार्डनर के लिए कुछ गुट्टी के पौधे भी बनवाऊँगा और मैं इसमें कुछ पौधे उस पर जो जट्टी खट्टी है उस पर भी ग्राफ्ट कराऊंगा और ये देखूंगा कि उनके क्या रिजल्ट आते हैं। और मोस्टली जो किसान बागवानी करना चाहते हैं नींबू की, उनके लिए तो या तो अलीमो पर ग्राफ्ट होना चाहिए या बीज से ही पौधे तैयार होने चाहिए। अब बात करते हैं इस रोग की। सबसे पहला ये देखते हैं कि ये क्यों शुरू होता है। किसान साथियों, जो पिछले 15 दिन से है लगभग इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, मौसम अभी भी देखिए धूप नहीं है, बादल का मौसम है, तो जब वातावरण में नमी बढ़ जाती है तो इस बीमारी का प्रकोप होता है। और इस नमी के कारण जब धूप नहीं होती तो क्या होता है, ये पत्तियों में भी आता है और अगर फल हैं तो तुरंत फलों पर ये कीट आएगा। ये एक छोटा सा पीला पीला कीट होता है जिसे आप इस प्रकार पहचान कर सकते हैं। अभी तक वो मुझे अपने पौधों में तो नहीं दिखाया लेकिन उसका असर दिखाई दिया है। जब ये कीट आता है तो ये यहाँ पर अपना इसका रस भी चूसता है और वहाँ पर अपना मल वगैरह छोड़ता है और उसके कारण वहाँ पर आगे की बीमारियाँ शुरू होती हैं। अगर आप इसका सही टाइम पर इलाज नहीं करोगे तो ये बहुत नींबूओं को आपके या बहुत फसल को ख़राब कर देगा। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, जब नींबू बढ़ता रहता है, अगर आप बहुत दिनों तक इसे ध्यान नहीं दिया तो अधिकतर ये पकड़ में तब आता है जब आपके फलों पर इसका अच्छा खासा प्रकोप हो जाता है और उस टाइम आपकी फसल भी बर्बाद हो जाती है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जब मौसम साफ न हो, बादल का हो, हवा में नमी हो, तो आप अपने पौधों का निरीक्षण जल्दी जल्दी करिए। जब ये थोड़ा बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये एक फंगस में तब्दील हो जाता है। फंगस क्यों होती है, ये अपना मल भी छोड़ता है, वहाँ से खाएगा भी। जब हरापन इसका ख़त्म हो जाता है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, अब ये जब बड़ा होगा और यहाँ पर ये इसको जो है ना ये तब्दील हो जाएगा, तो ये क्या है, यहाँ पर अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये स्कैब में तब्दील हो जाएगा, फंगस में तब्दील हो जाएगा और ये फंगस फिर बहुत ही घातक होगी आपके पौधे के लिए भी और आपके फलों के लिए भी। तो आपको जैसे ही फल लगने शुरू हों और मौसम इस प्रकार का हो तो तब इसका आपको सावधानी से निरीक्षण करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसका बड़ा साधारण सा इलाज है, जैसे ही आपको पता चले तो आप डाइमेथियोट या उसको भी प्रयोग कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर, आप प्रोफेक्स सुपर को भी कर सकते हैं और थोड़ी अगर ज़्यादा हो तो इसमें एसीफेट जो है 1 ग्राम और ये लैम्डा साइलोहेथ्रीन जो लगभग 1.5 ml पर लीटर दोनों को मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब अगर आप जैविक कर रहे हैं तो अपने पौधों पर बवेरिया बसियाना और वर्टिसिलियम लेकानेगी इस तरह का मोशन का पूर्वा नाम से पहले ही कर दीजिए तो ये बीमारी नहीं आएगी। आप इसमें नीम का तेल भी कर सकते हैं। मैंने बताया था जो इफ़को का नीम का तेल आता है, निरंजन जेल आता है, अजय पावर आता है,
उन दोनों में से कोई भी करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, 5 दिन के अंतराल से 2-3 बार करके। एक और इसका होता है कि जो ये देखिए यहाँ पर ये जो इसका तना है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये तो चूना है जो मैंने बोर्डो पेस्ट कराया हुआ था। कभी कभी इसका असर जब ये भयंकर रोग धारण कर लेता है तो इस पौधे पर भी, यहाँ पर भी आता है। जो मैं ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार ये आने पर आपको क्या करना है कि इसको रगड़ना है, इसको आपको बोरी के टांट से रगड़ना है तने को, और फिर आपको 1.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाइए एसीफेट का, और फिर इसको तने को धो दीजिए, कपड़ा भिगोइए और उसमें धो दीजिए इसको, तो आपके पौधे स्वस्थ होंगे। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति सिट्रस थ्रिप्स और स्कैप पर। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।